हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल का रियल वॉच टाइम कैसे चेक कर सकते हैं, 4000 घंटे में कितना वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है और कितना नहीं हुआ है। ये सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना इंटरेस्टिंग चैनल अभिषेक ब्लॉग। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहाँ दो तरह से अपना वॉच टाइम चेक कर सकते हैं। पहला मैं आपको बता दूं, आपको YT स्टूडियो में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से साइड में आप देख रहे हैं वॉच टाइम, ये एक महीने का वॉच टाइम है, आपको इस पर प्रेस कर देना है। इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 वीक और लास्ट 28 डेज, यानी एक महीने का है। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है लाइफ टाइम। यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 496.4, इतना वॉच टाइम मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पर आपको रियल वॉच टाइम देखने को मिलेगा, जो कि ये रियल वॉच टाइम नहीं होता है। दूसरा प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं, आपको बैक आना है और आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है YT स्टूडियो लॉगिन। यहाँ पे आप YT स्टूडियो लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन इन यूट्यूब, आपको इस पर प्रेस कर देना है। जब आप इस पर प्रेस कर देंगे तो आपका यूट्यूब चैनल डेस्कटॉप मोड पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा डेस्कटॉप मोड पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉलर का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तब आपको यहाँ पे रियल वॉच टाइम देखने को मिल जाएगा। हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, आप इस तरह से जूम करके देखिएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि यूट्यूब की तरफ से बोला जाता है कि 4 घंटे का वॉच टाइम होना ज़रूरी रहता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 471 घंटे मेरा कम्प्लीट हुआ है। जैसा कि आपने वहाँ पे देखा 496 था, यहाँ पे 71 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 घंटे मेरा माइनस हो गया है। यहाँ पे रियल वॉच टाइम आपको देखने को मिल जाता है, और वहाँ पे जो होता है वहाँ पे रियल वॉच टाइम नहीं होता है। वहाँ पे शॉर्ट वीडियो का भी ऐड करके दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर शॉर्ट वीडियो का आप जानते होंगे कि शॉर्ट वीडियो का जो वॉच टाइम होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, उसे ऐड नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप भी अपना रियल वॉच टाइम चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद भी आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।